हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 14 जुलाई 2021 और 14 जुलाई 2021 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा तथा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी अपडेट्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाए तथा आप हमारे वीडियो को जल्द देख पाए। हमारे चैनल पर सुबह में करेंट अफेयर्स पूरी तरह से एनालिसिस के साथ अपडेट किया जाता है तथा प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे लगभग 20 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के रूप में रिलेटेड क्वेश्चन डील किया जाता है। यदि आप हमारे इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाएं तथा हम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर सारे के सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे, आप सभी के सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सादगी दिवस कब मनाया गया है, यानी हाल ही में नेशनल सिंप्लिसिटी डे कब मनाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 12 जुलाई को नेशनल सिंप्लिसिटी डे। अब क्या है नेशनल सिंप्लिसिटी डे उसके बारे में हम जान लेते हैं। क्या है सादगी? किसी जटिल चीज के विपरीत सरल या समझने में आसान होने की अवस्था या गुण है ही सादगी कहलाता है। हेनरी डेविड थोरो ने एक बार कहा था कि जैसा कि आप अपने जीवन को सरल बनाते हैं ब्रह्मांड के नियम सरल हो जाएंगे। थोरो एक लेखक, दार्शनिक, प्रकृतिवादी, उन्मूलनवादी, इतिहासकार, परलौकिकवादी थे, लेकिन अपने हृदय से वे सादगीपूर्ण जीवन जीने के शाश्वत समर्थक थे। इसलिए उनके जन्म दिवस 12 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सादगी दिवस के रूप में मनाया जाता है। थोरो ने अनावश्यक चीजों को अस्वीकार कर लोगों को सरल तरीके से जीने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक वाल्डेन और उनके निबंध सविनय अवज्ञा के लिए जाना जाता है, जिसे लियो टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे उल्लेखनीय व्यक्तियों को प्रेरित किया है। आजकल हम मोबाइल फोन, लैपटॉप और आधुनिक गैजेट से अधिक घिरे हुए हैं। हालांकि सादगी दिवस 2021 हमें गैजेट से दूर रहने और सच्ची शांति का अनुभव करने और जीवन की सादगी का आनंद लेने का मौका देता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जून माह के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे नामित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोफी एक्लेस्टोन को। यह इमेज में सोफी एक्लेस्टोन इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, जिनका नाम सोफी एक्लेस्टोन है, जिन्हें जून माह के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है। वह फरवरी 2021 टैमी ब्यूमोंट के बाद खिताब जीतने वाली इंग्लैंड की दूसरी महिला खिलाड़ी हैं। अब बात कर लेते हैं पुरुष वर्ग में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डिवन कॉनवे को जून माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया है। टेस्ट क्रिकेट में पहले महीने शानदार प्रदर्शन के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले न्यूजीलैंड के पहले खिलाड़ी बने हैं। यह इमेज में डिवन कॉनवे है। अब बात हुई है ICC के बारे में, तो जान लेते हैं ICC के बारे में। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को हुई थी। इसका अभी वर्तमान में हेडक्वार्टर दुबई UAE में है तथा इसके अभी वर्तमान में चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं तथा इसके डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं। इसके CEO जेफ अलारडाइस है तथा इसका फॉर्मेशन आज से 112 वर्ष पूर्व, यानी बताए दिए कि 15 जून 1909 को हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी द स्ट्रगल विद इन ए मेमोइर ऑफ इमरजेंसी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं अशोक चक्रवर्ती, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। अशोक चक्रवर्ती द्वारा द स्ट्रगल विद इन ए मेमोइर ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक लिखी गई है। वह एक अर्थशास्त्री है जो पिछले 40 वर्षों से मुख्य रूप से अफ्रीकी क्षेत्र के देशों को निविगत सलाह दे रहे हैं। वह वर्तमान में हरारे में स्थित जिम्बाब्वे सरकार के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार के रूप में
पदस्थापित हैं। पुस्तक यह पुस्तक जो है हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। द स्ट्रगल विद इन ए मोमेंट ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक स्वतंत्र भारत के सबसे काले घंटों में से एक के बारे में चर्चा करती है। आपातकाल जो कि 1975 से 1977 में लागू हुआ था, स्वतंत्र भारत के सबसे काले घंटों में से एक था। उस अवधि में 1.5 लाख से अधिक लोगों को बिना किसी मुकदमे को जेल में डाल दिया गया था। कम से कम 11 मिलियन लोगों को जबरन नसबंदी की गई और अनगिनत पुलिस फायरिंग में मारे गए थे, अन्यथा समाप्त किए गए थे। उन्हीं के बारे में, इस पुस्तक के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल दिया गया है। आपातकाल 1975-77 में हुआ था, उसके बारे में पूरा डिटेल से इस पुस्तक में दी गई है। यह है पुस्तक का मेन पेज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा मिसाइल 12 जुलाई को परीक्षण के दौरान विफल रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल जो है 12 जुलाई को परीक्षण हुआ, जिसमें वह विफल रह गई। यह है ब्रह्मोस मिसाइल जो कि भारत और रूस के द्वारा मिलकर बनाई गई है। ब्रह्मोस दुनिया की इकलौती मिसाइल है जिसे जमीन, हवा और पानी तीनों सतह से लॉन्च किया जा सकता है। बट इसे लॉन्च किया गया, उसके बाद कुछ ही क्षणों के बाद यह विफल रहा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सोमवार को उड़ीसा के तट से परीक्षण किया गया, जिसमें यह मिसाइल विफल साबित हुई और टेक ऑफ के तुरंत बाद गिर गई। इस टेस्ट में मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का परीक्षण किया जा रहा था, जो 450 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। सूत्रों से यह बताया गया है कि आज सुबह लॉन्च के तुरंत बाद, यानी सोमवार को लॉन्च के तुरंत बाद मिसाइल गिर गई। विफलता का कारण का विश्लेषण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और ब्रह्मोस एरोस्पेस कॉरपोरेशन यानी BSC के वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम द्वारा किया जाएगा। ब्रह्मोस एक बहुत ही विश्वसनीय मिसाइल है और परीक्षणों के दौरान बहुत ही कम ही विफल साबित हुई है, इसकी वजह से इसे चेकअप किया जा रहा है। इस वजह का फेल होने का वजह पता लगाया जाएगा। इसके बारे में पूरा डिटेल से लिखा हुआ है तथा भारत का सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है ब्रह्मोस। इसके बारे में यहाँ पूरा तरह से दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसे विकसित किया है DRDO और NPOM जो कि रूस का है। तो इसके बारे में, दोनों के बारे में जान लेते हैं। DRDO जो कि भारत सरकार का एजेंसी है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 को हुआ था, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जरिडिक्शन में आता है तथा तो इसकी हेडक्वार्टर DRDO भवन न्यू दिल्ली में है। तो इसका अभी वर्तमान में एनुअल बजट लगभग 11,375.50 करोड़ रुपये है तथा इसके कई सब्सिडी है, जैसे कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट तथा और कई इसके सब्सिडीज हैं। इनके द्वारा एयरक्राफ्ट डिजाइन है अवतार, DRDO लक्ष्य, DRDO निशान तथा और कई डिजाइन एयरक्राफ्ट है। अब बात हुई है NPOM के बारे में, तो जान लेते हैं NPOM के बारे में। NPOM मीन्स मशीनोस्ट्रोनिया, जिसकी स्थापना 1944 को हुई थी तथा इसके हेडक्वार्टर रेवटो रशिया में है तथा इसके पैरेंट ऑर्गेनाइजर टैक्टिकल मिसाइल्स कॉर्पोरेशन है। यह है NPOM का लोगो तथा यह है DRDO का लोगो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलाइट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है M. शंकर सिंह और A. वेंकट नारायण। यह पुस्तक का मेन पृष्ठ जिस पर इस पुस्तक का नाम दिया हुआ है, यह एक नई पुस्तक है जिसका टाइटल का नाम है द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलाइट्स हाउ इन्फॉर्मेशन विल फियर शेप योर वर्ल्ड। यह शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण द्वारा लिखित है। यह पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक मानव इतिहास से संबंधित है। सामाजिक नियंत्रण विभिन्न पदानुक्रमों जैसे सैन्य, उपनिवेशवाद, मेगा नियमों और अब सूचना द्वारा निर्धारित की गई है। यह पुस्तक व्यापक रूप से इस बारे में बात करती है कि कैसे सूचना युद्ध आपके जीवन और दुनिया को आकार दे रहा है। समानांतर रूप से यह विचार में हेर फेर करने में राजनीतिक दल, साइबर अपराधों, धर्मगुरु, राष्ट्रीय राज्यों के संचालन से संबंधित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 के बहरीन केरलिया समाजम के साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एन पिल्लई को। यह इमेज में चेयर पर बैठे हुए एन पिल्लई, यह एक पत्रकार और नाटककार है।
जिन्हें 2021 के बहरीन केरलिया समागम यानी बीकेएस के साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। बीकेएस के अध्यक्ष पीवी रामकृष्णन पिल्लई, महासचिव वर्गीस कराकल और साहित्यिक विंग सचिव फिरोज तिरुवर्थरा ने पुरस्कार की घोषणा की है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक टोक्यो ओलंपिक खिलाड़ी को 10,00,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो ओलंपिक में पदक लगने वाले यूपी के खिलाड़ियों को मालामाल कर देगी। यानी इन सभी खिलाड़ियों को जो टोक्यो ओलंपिक में भाग लिए हैं और पदक लेकर आएंगे, उनको 10,00,000 रुपये का पुरस्कार देगी। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार सम्मान देने के साथ मालामाल करेगी। प्रदेश के 10 खिलाड़ियों विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए टोक्यो जा रहे हैं। खेल को बढ़ावा देने के मकसद से योगी सरकार ओलंपिक गेम्स में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 10,00,000 रुपये देगी। एकल और टीम खेलों में पदक लेकर लौटने वाली खिलाड़ियों को भी उत्साह बढ़ाएगी। अब बात हुई है यूपी के बारे में, तो जान लेते हैं यूपी के बारे में। यह है भारतीय मैप में रेड कलर से डिनोटेड यूपी, जो कि कई राज्यों से कनेक्ट है। यहाँ की राजधानी लखनऊ है तथा यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ का सीएम योगी आदित्यनाथ है। यह योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी पार्टी के समर्थन से हैं। यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं, 31 राज्यसभा सीटें हैं तथा 403 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है जिसकी संख्या 100 है, जिसमें 90 इलेक्टेड होते हैं तथा 10 नॉमिनेटेड है। यहाँ का एक मुख्य नेशनल पार्क है जिसका नाम दुग्धवा नेशनल पार्क है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य सरकार करेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा सरकार करेगी। हरियाणा की राज्य सरकार फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन करेगी। पहले स्पोर्ट्स शो 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड महामारी की संभावित तिथि की तीसरी लहर के कारण और इस बात को ध्यान में रखते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन अंडर 18 वर्ग में होना है, इसे स्थानांतरित कर दिया गया है। इस प्रतियोगिता में लगभग 8500 खिलाड़ी भाग लगे, जिसमें 5072 एथलीट, 2400 महिलाएं और 2672 पुरुष शामिल है। अब बात हुई हरियाणा के बारे में, तो जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। यह है भारतीय मैप में छोटा सा राज्य हरियाणा। यहाँ के कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ के शायद राज्यपाल चेंज हुए, उस लिस्ट में आप वहाँ पर देख लीजिएगा, जिसमें एक वीडियो हमारा बना हुआ है राज्यपाल, जिस राज्य के 8 राज्यपाल चेंज हुए उसका वीडियो हमारे पास बना हुआ है, आप उस हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ का सीएम है मनोहर लाल खट्टर। 10 लोकसभा सीटें हैं, 5 राज्यसभा सीटें हैं तथा 90 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है कलेसर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क यहाँ का ही नेशनल पार्क है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय संस्कृति संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा कहाँ पर बंगबंधु चेयर स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में। बांग्लादेश के विकास की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बंगबंधु चेयर स्थापित होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस चेयर की स्थापना के लिए ढाका में भारतीय संस्कृति संबंध परिषद यानी ICCR और दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह पहल इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान हुई समझ में से एक का परिणाम है। अब जान लेते हैं चेयर के बारे में। चेयर दोनों देशों की साझी विरासत और मानव विकास बौद्ध अध्ययन भूगोल इतिहास बांग्ला सहित ललित कला राजनीतिक विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संबंध और समाजशास्त्र अधिक आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह चेयर बांग्लादेश के संस्थापक पिता शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित करने के लिए और देश के मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ के साथ साथ ढाका के साथ भारत की राजनीतिक संबंधों को बनाने के लिए स्थापित की जाएगी। बात हुई है ICCR के बारे में, इसके बारे में जान लेते हैं। ICCR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रीजन्स, जिसका यह एक गवर्नमेंट ऑफिस है। अपना हुई थी 9 अप्रैल 1950 को न्यू दिल्ली में तथा इसके फाउंडर हैं अबुल कलाम आजाद। इसका हेडक्वार्टर आजाद भवन न्यू दिल्ली में है तथा इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अब चलते हैं, इसके पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि यहाँ का मतलब ICCR का प्रेसिडेंट विनय सहस्रबुद्धे हैं।
अब चलते हैं, बात हुई है बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। यह है वर्ल्ड मैप में एक छोटा सा कंट्री बांग्लादेश, जो कि रेड कलर से यहाँ पर डिनोटेड है। बांग्लादेश जो कि साउथ एशिया में स्थित एक देश है। यहाँ का कैपिटल ढाका है तथा यहाँ का करेंसी बांग्लादेशी टाका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए नया विभाग के निर्माण की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असम सरकार द्वारा यह की गई है। असम मंत्रिमंडल के असम मंत्रिमंडल ने राज्य के जनजातीय और स्वदेशी समुदाय के विश्वास, संस्कृति और परंपरा की रक्षा और संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र विभाग के निर्माण की घोषणा की है। नया विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य की स्वदेशीवादी को उनकी आस्था और परंपराओं को संरक्षित करने के साथ साथ उन्हें आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाए। बोडो, राभा, मिसिंग जैसी स्वदेशी जनजातियों के साथ साथ अन्य लोगों की अपनी धार्मिक मान्यताएं और अनूठी परंपराएं हैं, जिन्हें अब तक उनके संरक्षण के लिए आवश्यक समर्थन नहीं मिला है। बैठक के दौरान कैबिनेट ने सहमति व्यक्त की सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय और प्रशासनिक सुधार आवश्यक है। यह निर्णय किया गया है कि आयुक्तों की अध्यक्षता वाली विभागीय समिति 2 करोड़ और उससे कम की परियोजनाओं के लिए अपनी मंजूरी देने की हकदार होगी। अब बात हुई असम के बारे में, तो जान लेते हैं असम के बारे में। असम की राजधानी दिसपुर है तथा यहाँ का गवर्नर जगदीश मुखी जी है। यहाँ पर नए मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ लिए हिमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ पर 14 लोकसभा सीटें हैं, 7 राज्यसभा सीटें हैं तथा 26 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। यह है मैप में असम, जो कि यह पूर्व में स्थित है, भारत के पूर्व में स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी जनसंख्या ड्राफ्ट बिल में कितने बच्चों को नीति का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 2 बच्चों को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसंख्या नीति शुरू की है, जिसका उद्देश्य उन लोगों को प्रोत्साहित करना है जिनके 2 से अधिक बच्चे नहीं है। यह कहते हुए जनसंख्या नियंत्रण जनता और गरीबी के बीच जागरूकता से संबंधित है, आदित्यनाथ ने कहा है कि जनसंख्या नीति 2021 से 2030 में हर समुदाय का ध्यान रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 2050 तक अस्थिरता का लक्ष्य है और सरकार जनसंख्या वृद्धि दर को 2.1% तक कम करने की कोशिश कर रही है। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक तैयार करने वाली यूपी कानून आयोग ने कहा है कि नीति स्वैच्छिक होगी और किसी को भी नियम का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने दम पर दो से अधिक बच्चा नहीं पैदा करने का निर्णय लेता है तो सरकार योजनाओं के लिए पात्र होंगे सरकार के योजनाओं का पात्र होंगे, जबकि नीति का पालन नहीं करने वाले को सरकारी नौकरियां, राशन लेने और अन्य लाभों में प्रतिबंधित का सामना करना पड़ेगा। यह 11 अप्रैल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जिस दिन था उस दिन यह घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अब बात हुई है यूपी के बारे में, यूपी के बारे में जान लेते हैं। हमने अभी लास्ट ही 1-2 क्वेश्चन पहले यूपी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा है, आप उसे वहां पर जाकर फिर से देख लीजिएगा। यूपी के बारे में जान यहाँ पर भी दिया है, आप यहाँ पर भी रिवाइज कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूरो गोल्डन बूट जीता है? तो आपका सही उत्तर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यह इमेज में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये हमेशा आप न्यूज में रह रहे हैं, किसी न किसी पदक को या कोई भी किसी न कुछ टॉप कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह हमारे न्यूज में ही रह रहे हैं। इनके बारे में हम पूर्ण रूप से जान रहे हैं। पुर्तगाल के कप्तान और आधुनिक समय के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टूर्नामेंट में शीर्ष स्कोरर के रूप में समाप्त होने के बाद यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता है। सिर्फ 4 गेम खेलने के बावजूद रोनाल्डो ने शीर्ष सम्मान हासिल किया, क्योंकि उन्होंने 5 गोल किए। चेक गणराज्य की पैट्रिक सिक भी 5 गोल के साथ टूर्नामेंट का अंत किया, लेकिन सहायता की टाई ब्रेकर के माध्यम से यह पुरस्कार रोनाल्डो को मिला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल्दी किस राज्य में पहली बार एक हिमालयी याक का बीमा होने जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी अरुणाचल प्रदेश के एक हिमालयी याक है, जिस हिमालयी याक जो कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में स्थित याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान ने उच्च तंगुता यानी हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले याक को बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी NICL के साथ करार दिया किया है। बीमा पॉलिसी याक मालिकों को मौसम की आपदाओं, बीमारियों, पारगमन दुर्घटनाओं, सर्जिकल ऑपरेशन और हड़तालों या दंगों से उत्पन्न जोखिमों से बचाएगी।
याक के मालिकों को अपने पशुओं का बीमा कराने के लिए अपने याक के कान का निशान लगाना होगा और उचित विवरण देना होगा, जैसे कि कुछ पहले महीनों में गायों को किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले जान लेते हैं बात हुई अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में यह है भारतीय मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, यहाँ का गवर्नर बीडी मिश्रा है, यहाँ का मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, दो लोकसभा सीटें हैं, एक राज्यसभा सीटें हैं तथा 60 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का एक मुख्य नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एरोस्पेस और रक्षा निर्माताओं ने भारतीय नौसेना को अपना 10वां PAtype विमान प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर है लॉकहीड मार्टिन। अब बात हुई है भारतीय सेनाओं को दिया है, तो भारतीय जल सेना यानी नेवी के बारे में बात किया है, तो भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, इसके वर्तमान में एडमायरल रवनीत सिंह कौर हैं तथा कमांडर ऑफ चीफ जो कि प्रेसिडेंट के रूप में रामनाथ कोविंद जी पदस्थापित हैं। प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना के रूप में मनाया जाता है। यह भारतीय भारत का एक आर्म्ड फोर्स है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस पड़ोसी देश के बीच रेल कार्गो आवाजाही को बढ़ावा मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी नेपाल। भारत और नेपाल ने भारत नेपाल रेवा समझौता यानी RSA 2004 हेतु एक विनिमय पत्र यानी LOE पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सभी अधिकृत कार्गो ट्रेन ऑपरेटर को कंटेनर और अन्य माल को नेपाल ले जाने के लिए भारतीय रेलवे नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देगा। भारत तथा नेपाल या तीसरे देश के बीच भारतीय बंदरगाहों से नेपाल तक यह अनुमति दिया गया है। अधिकृत कार्गो ट्रेन ऑपरेटर में सार्वजनिक और निजी कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर, ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर, विशेष ट्रेन ऑपरेटर या भारतीय रेलवे द्वारा अधिकृत कोई अन्य ऑपरेटर शामिल है। इस संशोधित समझौते का महत्व नेपाल में रेल माल महत्व जान लेते हैं। यह नेपाल में रेल माल ढुलाई खंड में बाजार की ताकतों जैसे उपभोक्ताओं और खरीदारों को आने की अनुमति देगा और इससे दक्षता और लागत प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने की संभावना है। यह संभावना नेबरहुड फर्स्ट के तहत क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के भारत के प्रयासों में एक और मील का पत्थर है। अब बात हुई नेपाल के बारे में, तो जान लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल का अभी वर्तमान में PM है KP ओली शर्मा तथा अध्यक्ष यहाँ का विद्या देवी भंडारी है। यहाँ की राजधानी काठमांडू है तथा यहाँ का मुद्रा नेपाली रुपया है। यह है इंडिविजुअल मैप नेपाल का एक छोटा सा देश है। यह वर्ल्ड मैप में भारत से कनेक्टेड जो कि बिहार के राज्य से कनेक्ट सटा हुआ एक राज्य है, एक देश है नेपाल। अब चलते हैं कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, संसद का मानसून सत्र किस तारीख से शुरू होने वाला है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि 19 जुलाई से 13 अगस्त। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, किस टीम ने 2021 कोपा अमेरिका का खिताब जीत लिया है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए तथा प्रत्येक महीने से बनने वाले डेज को आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपको लिखने से उतना चीज ध्यान में आ जाता है जितना आप बोलने से और देखने से नहीं ध्यान में आता है। तो आप लिखा कीजिए, लिखने से आपको उस महीने तथा धीरे धीरे पूरे साल का डेज आपको ध्यान में रहेगा। चलिए तो दोस्तों, आप हमारे चैनल नेक्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि हमारे चैनल पर है नए हैं तो आप हमारे सब्सक्राइब बटन के बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। PDF फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। आप सभी के सभी सोशल मीडिया से हमें पर हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी का सभी लिंक हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए तो भी दोस्तों, आप सभी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि लोग खास करके महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।